close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. दोस्तों आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो को लेकर, जो ही है हमारी किया सेल्टोस, और उसका प्राइस डिटेलिंग सब कुछ बताऊंगा, सब फीचर सब कुछ के बारे में बातें करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हो किया सेल्टोस, ये है किया सेल्टोस STK प्लस 1.5 लीटर पेट्रोल में, जो कि इसका एक्स शोरूम प्राइस था जब हमने ली थी 2020 में। एक्स शोरूम प्राइस था 11,59,000, जो कि अभी बढ़कर 30,000 के करीब ज़्यादा हो गया है, और उसका प्राइस हो गया है 11,89,000। सबसे पहले इसकी लुक्स की बात करते हैं, तो जब हम गाड़ी के लिए कोई ऑप्शन डिसाइड कर लेते कि कौन सी गाड़ी ले, बहुत सारे ऑप्शन आए, लेकिन जैसे ही किया सेल्टोस हमारे सामने आई तो इसको फाइनल कर लिया हमने, क्योंकि ये देखने में ही इतनी प्यारी है, शायद आपको भी इतनी ही प्यारी लगती हो जितनी हमें लगती है। और ये जो है इसकी ग्रिल का नाम दिया है किया वालों ने, टाइगर नोज ग्रिल, जो कि जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये टाइगर के मतलब टाइगर के नोज की तरह दिखती है। और जो कि अभी सेल्टोस किया सेल्टोस आई है STK प्लस, मतलब सभी किया में उसका लोगो चेंज हुआ है, किया कर ने अपना लोगो चेंज किया, और सभी वेरिएंट्स में मेरे को लगता है कि उन्होंने दे दिया है चाबी से, वो स्टार्ट कर सकते हैं हम, की से स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ही है, लेकिन नहीं, अभी मैंने इसको पार्क ही उसी हिसाब से किया है कि आगे से जो नीचे टच हो रही है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये 190 mm है, और इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें लगवाई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो STK प्लस में ये चीज़ नहीं आती है, कंपनी फिल्टर नहीं आती है, तो मैंने ये आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है स्पॉयलर। और इसके साथ जो कंपनी वाले एक्सेसरीज देते हैं, ऐसे क्रोम दे दिया, साइड क्रोम हो गया, जिससे लुक थोड़ी और इन्हेंस होती है, और साथ में ये डोर वाइज़र हो गया, ये मैंने कंपनी से लगवाया हुआ है, और ये होगी, ये क्रोम हो गया, और ये क्रोम हो गया, ये सब कंपनी फिटेड है, बाहर से नहीं लगवाया गया, बाहर से सिर्फ इसको स्पॉइलर लगवाया गया है। और सबसे पहले आपको एक पूरा फुल राउंड व्यू दे देता हूँ गाड़ी का, देखने में कैसी लगती है गाड़ी, देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। तो अगर आपको किया सेल्टोस पसंद है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और साथ में आप व्यू भी देख रहे हैं, गाड़ी तो प्यारी लग ही रही है, उसके आसपास का व्यू देखिए। अभी मैं इस वक्त अपने गांव में आया हूँ, ये देखिए सेल्टोस की बेजिंग, और ये किया, और यही शायद स्टार्टिंग मॉडल है यहाँ पे किया को, किया ने अपनी सेल्टोस में अलॉय देना स्टार्ट करे हैं, और जो अलॉय भी इसके बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। और ये मिल जाती है आपको DRLLs डे टाइम में, और ये मिल जाती है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि हैलोजन ही है ना कि LED, और ये आपको मिल जाते हैं फॉग,
लैंप्स जो भी हैलोजन ही है, ना कि एलईडी है। चलो एक बार मैं आपको इसका बोनट खोल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो करीब करीब 13 bhp पावर जनरेट करता है, और इंजन इतना साइलेंट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं। ये देख सकते हो आप इसका इंजन, नॉर्मल वॉशर, ए कूलेंट, बैटरी, सब कुछ। आपको मैं LED जगा के दिखा देता हूँ। इसकी LED लाइट बहुत ही प्यारी लगती है, शायद आपको धूप के कारण नहीं दिख पा रही होगी इतनी ज़्यादा, लेकिन जब आप इसको रात को देखोगे ये बहुत ही प्यारी दिखती है। जो कि टॉप मॉडल्स हैं उनमें यहाँ तक आती है। आपको लाइट जला के भी दिखा देते हैं। इसके फॉग लैम्प जो कि इतनी सी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, एवरेज है। LED के आइस क्यूब्स आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो कि ऐसे लगते हैं देखने में, बहुत ही बढ़िया लुक दे देते हैं गाड़ी को जब रात को जो चलती है। जो इंडिकेटर आते हैं वो आपके DRL के साथ ही आते हैं। जब आप इंडिकेटर जगवाओगे तो आपके जो DRL है वो ऑफ हो जाते हैं। अब हम आगे हैं किया सेल्टोस के इंटीरियर में। जो सबसे पहले सभी जो इसका ड्राइवर साइड डोर है उसको हम वन टच डाउन वन टच अप कर सकते हैं, और बाकी जो हैं उनके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा बटन। और ये जो है ऑटो फोल्डेबल मिरर्स हैं, ये देख रहे हो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये फोल्ड हो जाएंगे, दोबारा प्रेस करूँगा ये खुल जाएंगे। और ये आपके मिरर की सेटिंग के लिए हैं, अगर आपको राइट वाला करना है तो राइट वाली साइड और ऐसे करके लेफ्ट साइड मिरर सेट कर सकते हो। और इसका इंटीरियर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी लगती है देखने में, और स्पेस भी काफ़ी अच्छी है देख सकते हो आप। और इसका एंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले आप वायरलेस कनेक्ट कर सकते हो। और इसकी टॉप स्पीड जो है वो दिखाता है 240, शायद 200 तक जा सकती है, क्योंकि मैंने तो अभी इसको चलाया है तो 170 तक चलाया, आराम से चली जाती है। और ये 200 तक आराम से चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और आप ये देख सकते हो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8.1 इंचीज की स्क्रीन है इसकी। और जो इसका साउंड है ना किया का, वो बहुत ही बढ़िया है। साउंड में किया के मुकाबले में कोई नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। जितनी भी गाड़ियाँ मैंने आज तक चलाई हैं उनमें से मुझे जो साउंड क्वालिटी दिखी वो किया की बहुत, किया के स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी बड़ी अच्छी है। इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर मिल जाते हैं, और AC मिल जाता है आपको मैनुअल कंट्रोल। और ये मैनुअल है तो गियर नॉब देख सकते हो आप इसकी, और हैंड ब्रेक आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, उसमें स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है। ये देखिए स्पेस ठीक ठाक है, लेकिन इसमें AC का ऑप्शन नहीं मिलता जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा। और इसमें और क्या फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि आपको आप देख सकते हो जैसे गाड़ी पार्क करी है आपने तो आप DRBM देख सकते हो, मतलब पीछे का व्यू देख सकते हो, ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर पीछे से देख सकते हो आप। तो और आप देख सकते हो इसका साउंड मूड लैंप्स, इसमें से आप ये जो आगे वाले स्पीकर्स हैं जे जो मतलब आप ये जो स्पीकर्स लगे हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्पीकर लगे हुए हैं इनमें जो है इधर साइड में ऊपर इस यहाँ पे LED लगी हुई है जो कि जिसका व्यू रात को बहुत ही बढ़िया आता है। वो आप कलर इधर से सेट कर सकते हो इसका, ब्लू पीसफुल कलर थीम कौन सा। और इसमें क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो भी है, मीडिया वगैरह सेटिंग्स, DRBM, फिर मीडिया में सेटिंग करने को मिल जाएंगी आपको, लाइव कुछ भी नेचुरल। चलो अभी मैं आपको एक गाना प्ले करके ही सुना देता हूँ। ये 10 आवाज है इसकी,
मजा आ गया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आवाज क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इसकी। अब हम देख लेते हैं स्टीयरिंग पे, कंट्रोल पे, स्टीयरिंग पे कौन कौन सा कंट्रोल मिल जाता है आपको। वॉइस का कंट्रोल मिल जाता है, जो कि जब हम फोन अपना ऑक्स से कनेक्ट करेंगे तो ही काम करेगा। इससे हम कॉल पिक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं, गाना आगे पीछे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इसको क्रूज कंट्रोल मिलता है और इसको हम रीसेट कर सकते हैं इधर से। ये सारे आपके जो मतलब मोड्स मिल जाते हैं इसमें, और इसमें आपको मोड्स ये जो हैं, ये मतलब लेफ्ट वाला सिस्टम होगा जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करेगा, और जो राइट वाला होगा वो इसको कंट्रोल करेगा। और फ्यूचर देख लेते हैं इसके। क्रूज कंट्रोल मिलता है, और देख लीजिए आप क्या क्या मिलता है इधर से। आप डोर लाइट सब कुछ, मतलब सर्विस वगैरह सब कुछ इधर नोटिफिकेशन मिल जाती है आपको। क्या क्या मतलब क्या क्या जो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सब मिलती हैं इसमें। इसको आपको डिफॉगर भी मिलता है, ये पीछे वाले का है, रेयर का। और आपको एक बढ़िया सी चीज़ मिल जाती है, जो कि ये है स्पेस। इधर आप अपना फ़ोन रख सकते हो आराम से, मतलब एक तरह की हिडन स्पेस मिल जाती है कि हमें, जो कि ये है। इधर आप अपना फ़ोन आराम से रख सकते हो अंदर। अभी चलते हैं पीछे वाली साइड, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसको ग्लोबल एनकैम ने 3 स्टार रेटिंग दी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको 3 स्टार से ज़्यादा ही मिलनी चाहिए थी, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और साथ में आप देख सकते हो कि इसमें, इस मॉडल में STK प्लस में इसमें 2 एयरबैग मिलते हैं, और टॉप मॉडल्स में इसमें 6 एयरबैग तक जाते हैं। एक ड्राइवर साइड मिलता है एयरबैग, और एक मिलता है आपको पैसेंजर साइड एयरबैग। और इसका AC जो है वो बहुत ही हैवी है, मतलब कि बहुत ही जल्दी कूलिंग कर देता है। अभी हम चलते हैं पीछे की ओर। चलिए, हम आगे हैं दोस्तों पिछली सीट में, और देख सकते हो आप, मैंने अभी जितनी सीट मैं पीछे करके चलाता हूँ इतनी शायद कोई भी नहीं करता होगा। तो ये देख लीजिए, इतनी सीट पीछे करने के बावजूद भी आपको जो स्पेस मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा मिलती है, आप देख सकते हो। और इधर आपको बॉटल रखने की जगह मिल जाती है, इधर थोड़ी सी स्पेस, उधर भी सेम चीज़। और आप 5-6 आदमी आराम से इसमें बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाड़ी में जो पावर है ना, गाड़ी जो भागती है ना रोड पे, उसका फील ही अलग है। मैंने 170-175 तक पहुंचाई हुई है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सच मुझे। गाड़ी 13,000 के करीब ड्रिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो इसका मेरे को जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो जो है वो है टायर्स। टायर्स की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है। और इसको मिल जाता है यहाँ पे प्रोटेक्ट करने को, अगर आप पीछे ये देखिए, दोनों साइड मिल जाता है, ड्राइवर साइड नहीं मिलता, देख सकते हो आप। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको गाड़ी के बाहर। अब आपको दिखाएंगे बूट ओपन करके गाड़ी का, इसमें जो की है अभी शायद गाड़ी लॉक है, तो इसके लिए गाड़ी को करना पड़ेगा ओपन। ये खुल गया बूट, और यहाँ पे लगा होता है अपना किया सेल्टोस, मतलब सभी का कैमरा लगभग यहाँ ही होता है। कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और ये देख सकते हो आप
बूट स्पेस गाड़ी का करीब करीब 433 लीटर का बूट स्पेस है गाड़ी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप किसी टूर में जा रहे हो तो आप आसानी से बहुत सारे बैग कैरी कर सकते हो, आप अपना सामान आसानी से कैरी कर सकते हो, क्योंकि 433 लीटर का बूट स्पेस बहुत ही ज़्यादा। ये देख सकते हो आप, इसका एक स्पेयर व्हील है जो कि कंपनी से मिलता है, तो और टूल किट मिल जाती है, फर्स्ट एड मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। जो कि इस टॉप में आपको सबसे अच्छी बात ये मिलेगी कि आपको जो वाला टायर गाड़ी का, मतलब आपको जो टायर अलॉय के साथ मिलेगा वो ही आपको स्पेयर व्हील में मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका जो है वो है 205 और 65 R16, तो आपको जो स्पेयर व्हील मिलेगा वो भी सेम ही मिलेगा। जैसे कि आप अगले वाले मॉडल्स में जाते हो तो उसमें आपको वो मिल जाता है 17 इंच का टायर मिल जाता है, लेकिन उसके साथ जो स्पेयर व्हील होता है वो आपको सेम ही मिलता है, मतलब 16 इंच का मिलता है। इसके अलॉय देख सकते हो आप कितने बढ़िया लग रहे हैं। आगे आपको इसको मिल जाती है, मतलब डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाती है, ABS, ABD मिल EVD मिल जाता है आपको, और ये पेट्रोल है तो इसको हम अंदर से ही ओपन कर सकते हैं, ना कि वन टच ओपन है ये। और कीलेस एंट्री मिल जाती है आपको, पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है इस मॉडल में आपको, इसी मॉडल से स्टार्ट होता है। और बाकी आप देख सकते हो किया की लुक, और किया के साथ साथ बैकग्राउंड की भी लुक, और इसके मिरर जो है फोल्डेबल हैं, और इंडिकेटर मिरर के ऊपर भी मिल जाते हैं आपको। कीलेस पुश बटन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, और पुश बटन से आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो। पीछे आपको एंटीना मिल जाता है, शॉर्ट एंटीना, और आपको रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं, इसी मॉडल से स्टार्ट होते हैं आना। और इसका जो कलर है, कलर कोड, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देती है, ग्लेशियर वाइट है कलर। इसी के साथ वीडियो को करते हैं बंद, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस किया के साथ बहुत ही अच्छा है, सिर्फ टायर वाले मामलों को छोड़ के, क्योंकि एक टायर मैं चेंज करवा चुका हूँ इसका, तो बाकी बहुत ही मज़ा है गाड़ी में, गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। और एक चीज़ बताना भूल गया, जो कि इसका ये देखिए आप सिस्टम देखिए, जो इसको सिस्टम लगाया हुआ है कि यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसकी शेप देखिए आप, रेक्टेंगुलर शेप दिखती है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है अगर आप दूर से देखोगे। और जब आप इसको रोड में ड्राइव कर रहे होंगे आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब आप एक 15-16 लाख की गाड़ी चला रहे हो, इससे अच्छा ही ज़्यादा ही फील होगा, क्योंकि सभी लोग जो होते हैं घूम के देखते हैं कि हाँ भाई किया सेल्टोस जा रही है, क्योंकि किया सेल्टोस ने अपनी पहचान बना ली है मार्केट में, हर कोई किया सेल्टोस की तरफ अट्रैक्टिव है। स्पेशली इससे ऊपर वाले मॉडल जो आते हैं उनकी थोड़ी ग्रिल भी चेंज है, वो देखने में इससे भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और देख सकते हो आप, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और थैंक यू अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो देख ही रहे होंगे, तो कोई गलती होगी वो वीडियो में वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगली बार से थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और नई नई वीडियोस देखने को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही करते हैं वीडियो को ख़त्म, दी एंड, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।